नमस्कार दोस्तों, मैकने ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों तो आज टाइम से आ गए घर पे, तो आज बनाने जा रहे हैं पनीर चिल्ली। तो जबरदस्त पनीर चिल्ली बनाएंगे, चलते हैं अंदर फटाफट अपना किचन में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और जबरदस्त बनाया जाएगा। ये देखिए पनीर को हम कटिंग कर लिए हैं इस तरह। इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा थोड़ा सब में बस ऐसे ही, और नमक। और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए जिंजर गार्लिक, ये थोड़ा सा जाएगा। इसको बढ़िया से लगाएंगे। सो हाथ से आराम से देखिए इसी तरह सब में इसे मिला देना है। ये देखिए अभी इसको कोटिंग करेंगे हम, तो वो भी दिखाएंगे। पहले इसको हम ऐसे लगा के मसाले में, अदरक लहसुन में, इसको हम छोड़ देते हैं आधा घंटे के लिए, जब तक और भी आइटम तैयार कर लेते हैं। देखिए सब कोटिंग कर लिए, इसको रख देते हैं हम साइड में। तो इधर ले लिए हैं हम अदरक और लहसुन, हरी मिर्च। तो इसको एकदम बारीक चॉप करना है, पीसना नहीं है। इस तरह हम इस मशीन में हम बारीक चॉप करेंगे। देखिए ये देखिए बढ़िया चॉप हो गई। इसको निकालेंगे साइड में, इसी तरह मुझे चाहिए। चलिए अभी फाइनल हो गया हमारा। तो ये देखिए शिमला भी कटिंग कर लिया इस तरह, और प्याज को भी, प्याज को काट के ऐसे छील लेना है बस इस तरह। ये ज़्यादा बड़ी है तो कटिंग कर देना, छोटी प्याज है तो चलेगा ऐसे ही। तो शिमला प्याज ये भी रेडी हो गया, चलते हैं प्रोग्राम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए हम ले लिए हैं ये कॉम्प्रोन, यानी कि अरारोट, अरारोट भी ले सकते हैं आप, जो भी आपके पास हो। तो इसको हम बढ़िया से देखिए कोटिंग करेंगे। ये देखिए मस्त, ये देखिए तो ऐसे कोटिंग करके हम एक दूसरे बर्तन में रखेंगे। ये देखिए इस तरह कोटिंग करके सब हम रखेंगे, तो मस्त कोटिंग हो जा रही है इसमें। ये देखिए ऐसे रख देंगे, सूखे हुए बर्तन में रखना है। देखिए थाली के उल्टा करके रखे, थाली उस पर हम रख रहे हैं कोटिंग करके। सब ऐसे रख देते हैं फटाफट हम। देखिए सब बढ़िया कोटिंग कर लिए हैं इसमें, अरारोट लगा लिए बढ़िया से, कॉम्प्रोन पाउडर जो भी होता है। तो इसको रखते हैं साइड में। अब गर्म करेंगे तेल। तेल लगा दिए गैस पर कढ़ाई, ये रिफाइंड ऑयल डाल दिया। रिफाइंड ऑयल पहले अच्छे से करेंगे गरम। तो देखिए तेल गरम हो गया, इसमें जाएगी पनीर की पीसेस। आराम आराम से हम जितना जगह है उसी हिसाब से हम डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो देखिए इसको पलटेंगे भी हम फटाफट। कलर जितना आप लाना चाहिए उतना ला सकते हैं, तो हम नॉर्मल ही कलर रखेंगे इसमें हम। ये देखिए अभी फ्राई हो गई, तो थोड़ा पलट के सेक लेते हैं, और जो इस तरफ नहीं हुआ है इसी तरह बढ़िया कलर डाल लाना है इसमें। ये देखिए तो पीसेस हम पड़ी रखे हैं पनीर की चिल्ली के लिए, तो बड़ी पीस रहेगी, ठीक रहेगा खाने में। तो चलो निकाल लेते हैं, तो निकाल लिए, कलर ठीक ठाक है, इसी तरह कलर लाना है। तो चलो हम फटाफट और डाल देते हैं। देखिए देखिए भी राउंड हमारा हो गया पनीर, इसको भी निकाल लेते हैं। सब फ्राई वगैरह हो गया, पनीर वगैरह सब एकदम रेडी कर लिए। अब बचा है ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी में जो चिली पनीर बनाएंगे वो भी दिखाते हैं पूरे एकदम। इधर सब रेडी हो गया है सब, इधर हमारे पास सॉसेस वगैरह सब सारी हैं, सब जितना भी हमको ज़रूरत है। तो देखिए उसी कढ़ाई में बनाएंगे, तेल को कर दिए हैं कम। तो चलो फटाफट हम चालू करते हैं ग्रेवी तैयार करने के लिए और फाइनल करने के लिए। तो इसमें जाएगा
अदरक लहसुन और हरी मिर्च, ये देखिए चॉप किया गया एकदम बारीक बारीक। अब ये जाएगा, भर के जाएगा 2 चम्मच, ताकि इसका टेस्ट मज़ा आएगा भाई, चिल्ली के साथ में, चिल्ली पनीर के साथ में। ये देखिए इसको थोड़ा भूलेंगे हम, तो अदरक लहसुन हरी मिर्च को भूल लेना है, कच्चापन ना रहे इसका, इसको पका देना है हल्का से। ये देखिए उल्टी कलछी चलाना है इसमें भाई, देखिए अदरक लहसुन भी हो गया हमारा, इसमें डाला जाएगा शिमला और प्याज, तो इसको भी थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भूजेंगे, प्याज और शिमला मिर्च कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए बस। ये देखिए इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च भाई बहुत ज़रूरी है इसमें, तो काली मिर्च को भी इसके साथ में भूज लेते हैं, और तो प्याज और शिमला को हल्का से रोस्ट कर देना इसी में, अदरक लहसुन में। इसमें डालेंगे सॉस वगैरह, देखिए क्या क्या डालना है, तो कलछी करेंगे इस तरह, डार्क सोया सॉस, देखिए हमारे पास डार्क सोया सॉस है, ये जाएगा 1 चम्मच बस। इसमें जाएगा ग्रीन चिली सॉस, एक चम्मच। अब जाएगी इसमें रेड चिली सॉस, देखिए लाल मिर्च की चटनी है, 1 चम्मच। इसमें जाएगा विनेगर, वाइट विनेगर, आधा चम्मच। और इसमें जाएगा टमाटर केचप, ये किसान का हमारे पास है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, ये जाएगा 1.5 चम्मच। अब इसको बढ़िया से देखिए मिला के और इसके साथ में मिक्स करना है, तो देखिए सारे सॉस को बढ़िया से मिला देना है और थोड़ा सा भूजना है, थोड़ा कच्चापन इसका भी चला जाए, सॉस वगैरह बढ़िया से भूज जाए, तो इसको बढ़िया से मिला देना है, देखिए एकदम बढ़िया से मिला दिए हैं उल्टी कलछी से। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, ग्रेवी के लिए बस, बस को मिला देते हैं। इसमें जाएगा थोड़ा सा सादा नमक, और नमक याद रहे कि हम लोग जो है पनीर में भी डाले हैं और सॉस में नमक रहता है, इसलिए हल्का नमक डालना है, पानी जितना डालें उतना ही बस, पानी के हिसाब से नमक डालना है बस, नहीं तो हो जाएगा नमक ज़्यादा, तो फिर चिली पनीर में मज़ा नहीं आएगा। तो चलो नमक को बढ़िया से मिला देते हैं, इसमें एक बॉइल लाएंगे, उसके बाद इसको ग्रेवी को करेंगे गाढ़ी। तो देखिए हमारे पास कॉर्न फ्लोर है या अरारोट को भी जो भी हो आपके पास, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका एक घोल बनाएंगे, देखिए जब तक हमारी ग्रेवी उधर पक रही है, इसका एक बनाएंगे घोल, ये देखिए एकदम दूध तरह हो जाएगा, जैसे दूध होता है घर पे वैसे हो जाएगा ये। ये देखिए इसको अच्छे से मिला देना है, ये दूध जैसा बन गया, ये इसको रखते हैं साइड में, और ग्रेवी को बढ़िया से पका लेते हैं, और देखिए बॉईल आ गया हमारे ग्रेवी में, इसको एक बार और थोड़ा सा हाई बॉईल लाएंगे, मतलब कि और तेज़ में जो है इसको पकाएंगे, देखिए तेज़ बॉईल आने लगा, और इसमें जो है धीरे धीरे करके हम डालेंगे और उसको आराम से चलाते रहेंगे, देखिए ग्रेवी करेंगे गाढ़ी, ये देखिए तो ग्रेवी हमारी गाढ़ी चालू हो गई, देखिए कितनी गाढ़ी हो गई, बस अब नहीं डालेंगे, तो जो बचा है इसको हम हटा देंगे, कोई मतलब नहीं है। और इसमें जाएगी सारी पनीर, जितने भी पनीर हम फ्राई किए थे, ये सारी पनीर हम डाल देते हैं, इसको अच्छे से सबके साथ में मिला देते हैं, देखिए कितनी जबरदस्त हमारी बन के रेडी हुई है। अब इसको मुश्किल से 1 मिनट पकाएंगे बस हाई फ्लेम पे, कि पनीर के अंदर तक
छुरी की देवी चली जाए और जितने भी सॉस है वो भी पनीर के अंदर बढ़िया से चली जाए। तो देखिए एकदम रेडी कर दिए हम बना करके। चलिए पनीर भाई एकदम रेडी हो गई है, गैस को करते हैं बंद। एकदम रेडी हो गए भाई चिली पनीर, ये देखिए ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं बनाए हैं, एकदम थिक ग्रेवी बनाए हैं। इसको चलते हैं ढक के छोड़ देते हैं आराम से। दोस्तों चिली पनीर अपना एकदम जबरदस्त रेडी हुआ है, आपको दिखा रहे हैं इधर से फिर से हम जो है, देखिए कितना जबरदस्त बनके रेडी है। इसका स्वाद भी बताएंगे जब खाएंगे तब भी बताएंगे। आज जो है देखते हैं किसके साथ खाते हैं, अभी तो रोटी या पराठा किसके साथ खाते हैं वो भी दिखाएंगे। तो भाई आज की पनीर चिल्ली तो भाई लाजवाब लग रही है देखिए। तो ठीक है अभी खाते हैं तब बताते हैं, इसको ढक के छोड़ देते हैं भाई ताकि अब ज़्यादा देर समय नहीं है, अब खाना ही है सीधा। इसको लगाएंगे ढक्कन, निकालते हैं अपने प्लेट में हम खाने के लिए पनीर चिल्ली। देखिए इसके साथ में प्याज और शिमला भी ढूंढते हैं ताकि हम शिमला प्याज कम ही डाले थे, पनीर हम आज ज़्यादा डाले थे। तो घर का है प्रोग्राम तो भाई अपने हिसाब से डाला जाए। निकाल लिए खाने के लिए अपने दोस्तों आए खाने के लिए। देखिए शुरू करते हैं पराठे के साथ में, पहले हंसी शुरू कर रहे हैं भाई, हंसी चेक करेंगे हम भी चेक करेंगे भाई, हम भी पराठा आज बनवाए थे, पराठा और पनीर चिल्ली के साथ में जो है शुरू किया जाएगा। आते हैं देखते हैं कैसा है, एकदम सॉफ्ट बना, देखिए ग्रेवी ज़्यादा नहीं लगाए थे हम, एकदम ज़बरदस्त बना है ये देखिए। इसको आराम से ग्रेवी में थोड़ा सा हल्का से डिप करेंगे। ओ हो हो, बहुत जबरदस्त है ना, बहुत बढ़िया है। ये वेजिटेबल से बना है तो और भी अच्छा लगा है, और ये वेजिटेबल से बना हुआ है और भी अच्छा। ये तो है, तो बहुत जबरदस्त है भाई। वीडियो क्या बोली कमेंट जरूर बताना है, आप लोग बहुत बोलते हैं ना कमेंट में जो है ये बोले हैं वो बोले हैं, अभी बेटिया कुछ बोली है इसको आप देखना और कमेंट में जरूर इसे बताना कि बेटिया ने क्या बोला है। तो बहुत जबरदस्त है भाई, ये तो बहुत जबरदस्त है। अभी तबीयत खराब थी तभी खा रहे हैं, बढ़िया है। हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है तो रुक ही नहीं रहे। खाओ खाओ अभी खाओ। तो पनीर चिल्ली भाई एकदम बहुत जबरदस्त बनी है, लाजवाब है। तो पराठे साथ में और बढ़िया टेस्ट आ रहा है, रोटी भी आता ठीक है, पराठा मिल गया तो और अच्छी चीज़ है, इसके साथ नान वगैरह अगर मिल जाता है तो और मज़ा आता है। अब तो एक चीज़ कमी थी इसमें, जो हरी प्याज होती है उसके स्प्रिंग अनियन जो होता है वो डाल दिया था और मज़ा आता, जब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही मज़ेदार है।